नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी के लिए आज शलजम से जुड़ी हुई जानकारियों को लेकर के कि क्या होता है शलजम खाने का फायदा। शलजम बहुत कम कैलोरी वाली सब्जी है, इसे एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल और फाइबर का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। इसमें मौजूद विटामिन सी शरीर के लिए आवश्यक और शक्तिशाली घुलनशील एंटीऑक्सीडेंट है। इसका सेवन शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाता है और हानिकारक फ्री रेडिकल्स, कैंसर और सूजन से शरीर की रक्षा करता है। इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। शलजम की सब्जी किसी भी तरह के रोगियों को बिना किसी डर के सेवन कराई जा सकती है। दस्त में राहत, कच्ची शलजम को खाने से दस्त आना बंद हो जाता है। पोषक तत्वों का भंडार, शलजम वास्तव में कई महत्वपूर्ण पोषक तत्वों का भंडार है। शलजम के मुकाबले इसकी जड़ों में कई गुना अधिक मिनरल और विटामिन होते हैं। यह विटामिन ए, विटामिन सी, कैरोटीनॉयड और ल्यूटीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट का समृद्ध स्रोत है। इसके अलावा इसके पत्ते विटामिन के बहुत अच्छे स्रोत माने जाते हैं। साथ ही यह कैल्शियम, कॉपर, आयरन और मैग्नीज जैसे महत्वपूर्ण मिनरल के भी बेहतरीन स्रोत हैं। एड़ियों का फटना, शलजम को उबालकर इसके पानी से फटी हुई एड़ियों को धोकर उसके बाद उन पर शलजम रगड़ें। रात के समय इसका इस्तेमाल करके फटी हुई एड़ियों पर साफ कपड़ा लपेट लें। इसके प्रयोग से फटी हुई एड़ियाँ ठीक हो जाती हैं। दमा, खांसी और गला अगर बैठ जाए आपका, तो शलजम को पानी में उबालकर उसके पानी को छानकर और उसमें चीनी मिलाकर पीने से दमा, खांसी और गला बैठने का रोग ठीक हो जाता है। कैंसर की रोकथाम में भी शलजम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। शलजम में एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोकेमिकल्स के उच्च स्तर के कारण यह कैंसर के खतरे को कम करने में मदद करता है। ग्लूकोसाइनोलेट्स की उपस्थिति के कारण यह कैंसर के प्रभाव को कम करने में मदद करता है। अपने दैनिक आहार में इस सब्जी का समावेश करके आप स्तन कैंसर के जोखिम के साथ साथ मलाशय और ट्यूमर को भी कम कर सकते हैं। मधुमेह, जी हाँ, अगर आप मधुमेह से पीड़ित हैं तो मधुमेह के रोग में रोजाना शलजम की सब्जी खाना लाभदायक माना जाता है हृदय स्वास्थ्य के लिए। शलजम में मौजूद विटामिन ए के कारण यह एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है। यह गुण हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक और अन्य हृदय रोगों को रोकने में मदद करता है। शलजम फोलेट का भी एक बेहतरीन स्रोत है, जो हृदय प्रणाली को बढ़ावा देने में मदद करता है। अंगुलियों की सूजन, 50 ग्राम शलजम को 1 लीटर पानी में उबालें, फिर उस पानी में हाथ पैर डालकर रहने से उंगलियों की सूजन खत्म हो जाती है। हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण, कैल्शियम और पोटेशियम का एक महत्वपूर्ण स्रोत होने के कारण शलजम स्वस्थ हड्डियों के विकास और रखरखाव के लिए महत्वपूर्ण होता है। शलजम का सेवन नियमित रूप से करने से हड्डियों के टूटने, ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे और रूमेटिक गठिया की समस्याओं को रोका जा सकता है। पेशाब रुक रुक कर आना, शलजम और कच्ची मूली को काटकर खाने से पेशाब का रुक रुक कर आने का रोग दूर हो जाता है। फेफड़ों का स्वास्थ्य, सिगरेट के धुएं में पाया जाने वाला कार्सिनोजेंस शरीर में विटामिन ए की कमी के कारण नुकसान पहुंचाता है, जिसके परिणाम स्वरूप फेफड़ों की सूजन, एम्फिसेमा यानी कि वात स्फीति और अन्य फेफड़े की समस्या हो सकती है। शलजम में निहित विटामिन ए इस कमी को दूर करके फेफड़ों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए शलजम के फायदों से जुड़ी हुई। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।